and a welcome or welcome back to the channel. My name is Himani and as you can see, I am at the airport और जा रही हूँ अपनी country number 11 travel करने के लिए. आपको पता चल ही गया होगा title देख के. Yes, we are going to the Maldives और इस बार मैं अकेली नहीं, मेरे साथ तारिका भी चल रही है एंड इट्स गोना बी सो मच फन. और हम मालदीव्स कोई लग्जरी स्टाइल नहीं ट्रैवल करने वाले हैं. मालदीव्स इन बजट आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में पूरी हम उसी के बारे में बातें करेंगे और वही आपको शो करूंगी जो कि मैंने कैसे प्लान किया है. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. तो जी हम लेने वाले हैं विस्तारा की डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई. राइट नाउ वी आर एट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल मुंबई और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है 9:30 की, जो कि 2 hours 45 minutes की है. और मैंने इसे थोड़ा टाइम पहले बुक किया था तो आई गॉट इट फॉर 20,000 राउंड टिकट. सो दैट वॉज ग्रेट. और साथ ही साथ विस्तारा का मेरे पास मेम्बरशिप है तो मुझे उसमें थोड़ा सा ऑफ भी मिला था एंड उसके साथ साथ मुझे माइल्स भी मिल जाएंगे जब मैं ट्रैवल कर लूँगी. बढ़िया ऊपर से व्यू दिखे हमें आइलैंड के एंड जस्ट इमिग्रेशन कर लिया, बहुत ही स्मूथ फटाफट से हो गया. अभी हमने जो है हमारा लगेज का वेट कर रहे हैं. लेट्स सी, तारिका वॉशरूम गई हुई है और लगेज कलेक्ट करके हम बाहर जाएंगे. हमारी गाड़ी हमारा वेट कर रही है और हमने पहले से जिस होटल में बुकिंग करी है उस होटल के ही नहीं टैक्सी प्रोवाइड करी है. सो आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग. और हाँ, वीज़ा का कोई भी कॉस्ट नहीं है मालदीव्स का. मालदीव्स ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है. तो बस आपको प्लेन से उतरना है, इमिग्रेशन पे स्टैंप लगवाना है एंड यू आर इन. कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है. बस जब आप रिटर्न आते हैं तो वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो उनके स्कैनर लगे हुए हैं इमिग्रेशन से पहले, वो आपको फिल करना है. वो ऑनलाइन 2 to 3 minutes में आप फटाफट से फिल कर सकते हो एंड दैट्स इट. आपको कुछ भी पे करना नहीं है टू ट्रैवल टू द मालदीव्स. हाँ जी, तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जल्दी से एक बजट ब्रेकडाउन बता देती हूँ कि 50,000 में हमने ये ट्रिप कैसे किया. तो सबसे पहले बात आती है फ्लाइट की. तो फ्लाइट का जो रिटर्न फेयर है, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले बुक कर ली थी इसकी मालदीव्स की फ्लाइट, तो मुझे 20,000 में पड़ा, विच मीन्स जाने की 10,000 आने की 10,000. और हमारी फ्लाइट विस्तारा थी मुंबई एयरपोर्ट से, तो वो हमारा हो गया 20,000 रुपए. अब हम दो लोग साथ में ट्रेवल कर रहे थे तो मैंने सर्च किया कि बजट में मालदीव्स में कौन अच्छे टूर पैकेज देता है एंड आई केम अक्रॉस दिस कंपनी कॉल्ड गोल्ड मालदीव्स. और ये दो लोगों का इनका पैकेज था, 3 रात 4 दिन का, इंक्लूडिंग स्टे, आपका बोट राइड, 2 water sports activities, साथ में आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एक कैंडल लाइट डिनर, ऑल्सो आपका जो भी ट्रांसफर होता है एयरपोर्ट से एयरपोर्ट का, वो सारा इंक्लूडेड था इसमें. तो आई फाउंड इट वेरी चीप एंड मालदीव्स के हिसाब से, क्योंकि मालदीव्स में स्टे के ही आपको लाखों रुपए लग जाते हैं. बट बिकॉज ये बजट में था तो हम कोई लग्जरी वाला स्टे नहीं करने वाले. आप आगे होटल का भी रूम देखोगे कैसा था, खाना कैसा था, एवरीथिंग वॉज डिसेंट. प्राइस के हिसाब से सर्विसेज वॉज अमेजिंग. हमें पिक करने हमेशा, जब भी हम पहुंचने वाले थे हमें वहां पर कोई ना कोई पिक करने पहुंच जाते थे. और बोट से लेकर होटल तक की भी जर्नी, साथ में एयरपोर्ट से आइलैंड तक की जर्नी, सब कुछ बहुत अच्छी थी फॉर 3 nights 4 days का, जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी. और अगर आप कपल हो, आप प्लान कर रहे हो मालदीव्स का ट्रिप, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मैं नीचे फिर भी लिंक डाल दूंगी और कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा. और हाँ जी, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. बाकी उनकी सर्विस कैसी थी, हमें अकोमोडेशन कैसा मिला, फूड कैसा होता था, सारी चीजें आगे के वीडियो में है, वो आप देखिए एंड एंजॉय कीजिए. जी तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जो व्यू है मालदीव्स में, वो मुझे लगता है दुनिया के बहुत ही कम एयरपोर्ट्स में होता होगा. एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल, ओह गॉड,
क्या टर्कोइश ब्लू पानी है मैन, मेरा मन ऐसा कर रहा है ना कपड़े उतारूं अभी और बस कूद जाऊं उस पे। लुक एट द वाटर, हाउ शैलो इट इज और कितना क्लियर है। ये आप सामने देख रहे हो, ये एयरपोर्ट है। इसके सामने अगर आपने अपने होटल से, आपके होटल से पिक करने आए, जैसे ताज की बोट खड़ी हुई है, यहाँ पे स्ट्रीट बोट है, ऐसे सब होटल की जो भी होटल के पिकअप करने आते हैं वो यहाँ पर है। सी प्लेन के लिए देर इज़ अ डिफरेंट प्लेस जहाँ से आपको सी प्लेन में लेके जाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, सारे होटल्स के कियोस्क बने हुए हैं, उस पर आप जाके अगर आपके होटल से कोई आपको पिक करने के लिए नहीं आया, मे बी लेट हो गया, तो आप उनसे जाके डायरेक्टली बात कर सकते हो। और एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई है, तो वाईफाई से कनेक्ट करके आप अपने होटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और क्योंकि मैंने बताया था कि हम बजट वाला ट्रिप कर रहे हैं इस बारी, तो हमने जो है वो ऑनलाइन बुक किया था। एंड कौन सा होटल है वो सारी चीज़ें मैं आपको चलकर बताऊंगी। उस आइलैंड तक जाने के लिए हमें भी स्पीड बोट लेनी पड़ेगी, पर क्योंकि बजट में है तो वो स्पीड बोट में सिर्फ हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ साथ और भी लोग होंगे। और उसका एक टाइमिंग है, तो वो टाइमिंग है 4 बजे। अभी 1 या 1:30 बज रहे हैं और हमारे पास 2-2.5 घंटे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो यार, थोड़ा बजट पे करते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं कि हम रोड में बैठे हुए हैं। देयर इज़ अ प्लेस एयरपोर्ट के इस तरफ जहाँ पर एयर कंडीशन है पूरा, एकदम शांति से आराम से लाउंज जैसा है, हम बैठ सकते हैं। ऊपर में खाने पीने की चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा हट, कॉफ़ी एंड ऑल दैट, वो हम खा पी सकते हैं। और तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे और मैंने सोचा कि ये व्यू भी इंजॉय करते हैं, मालदीव्स की एयर सोक इन करते हैं, तो बस वही कर रहे हैं। एंड बस जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको बताते जाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं और होटल के बारे में भी, होटल के क्या प्राइसेस हैं, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू। सो कीप ऑन वॉचिंग, लेट्स गो। फ्रॉम थुलुस्तु आईलैंड, और कल हम यहाँ पहुँचे हैं। एंड आने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि वी वर वेरी टायर्ड, पूरी रात की जर्नी और उसके बाद पूरा दिन का ट्रैवल करके फाइनली वी रीच्ड हियर। वैसे माले से यहाँ तक का जो स्पीड बोट का टाइम था वो 20-25 मिनट्स का था, बट स्टिल इट टुक अस होल डे क्योंकि 4 बजे हमारी बोट थी और हम 12:30 बजे तक लैंड होके इमिग्रेशन करके हम बैठ गए थे। फिर हमने थोड़ा लंच वंच किया, माले थोड़ा ऐसे ही देखा, एंड देन वी रीच द प्रॉपर्टी हेयर इन थुलुस्तु आईलैंड। आई विल शो यू द प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, बट अभी के लिए हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तो लेट्स गो। एंड देखते क्या है ब्रेकफास्ट में।